नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी विद कारुण्या में। एंड आज मैं आप सबको वर्चुअल टूर पे ले आई हूँ हरि के द्वार, हरिद्वार में। हरिद्वार से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जो है वो है देहरादून, और देहरादून तो आप कोई भी सिटी से आराम से पहुँच सकते हो। देहरादून से अराउंड 30 किलोमीटर्स पड़ता है हरिद्वार, जहाँ पे अभी हम हैं। तो मैं देहरादून कैसे पहुँची और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, कैसे आप यहाँ पर आ सकते हैं, ये सब चीज़ आप ये देखिए इस वीडियो में। पीपल, सो मैं पहुंच चुकी हूं अब देहरादून। दिस इज़ द देहरादून एयरपोर्ट एंड दिस इज़ द नियरेस्ट एयरपोर्ट फ्रॉम हरिद्वार। यहां से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है एंड इट्स गोना बी हाईली इंटरेस्टिंग, सो लेट्स गो। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी। यहां से अभी ओला बुक करना है, हरिद्वार जाना है, सो चलते हैं। और देहरादून एयरपोर्ट से हरिद्वार जाने के लिए आपको ओला, उबर सब मिल जाएगा, बस उनका पिकअप पॉइंट्स नहीं है तो थोड़ा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। सो दोस्तों, मेरी कैब आ चुकी है, मैंने ओला बुक किया था एंड यहाँ से अब डायरेक्ट चलते हैं हरिद्वार, जो कि अराउंड 23 किलोमीटर्स है। वहाँ पे होटल बुकिंग है, सो वहाँ चलते हैं। तो पीपल, हम कैब में बैठ चुके हैं और हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। दिस इज़ अ नेशनल हाईवे, सो रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। अराउंड 2:30 अभी हो रहा है एंड इन अनदर 45 to 1 hours मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। सो टिल नाउ द जर्नी इज़ बीइंग प्रीटी कूल, द रोड्स आर गुड एज वेल। पीपल, हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं एंड आपके लिए एक हेड्स अप, अगर आपको कभी भी आप हरिद्वार जा रहे हो एंड यू कम टू देहरादून, आपको अगर कैब बुकिंग वगैरह करनी है, प्री बुक करनी है, तो आप फैजल जी से बात कर सकते हो। मैं इनका नंबर्स हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो आप ज़रूर चेकआउट करिए। यू कैन जस्ट कॉल हिम एंड ही विल कम टू पिक यू अप। सो हम सब है स्वामी नारायण घाट में, अभी यहाँ पे हम स्नान करेंगे और यहीं से हमारी चार धाम की यात्रा स्टार्ट होती है। तो हम इस यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने वाले हैं। दर्शन स्टार्ट करने से पहले अपने मन को यहाँ पे गंगा मैया में शुद्ध करें, स्नान आदि करें और फिर यात्रा को स्टार्ट करें। तो आइए यहाँ पे स्नान करते हैं और फिर यात्रा को आरंभ करते हैं। बहुत ही आनंद आया। दोस्तों, हमने गंगा स्नान कर लिया है और बहुत ही जोरों की आंधी आई हुई है यहाँ पे। मैं आपको दिखाती हूँ पूरा एकदम, ये देखिए बहुत जोर की आंधी आई है एंड पूरा एकदम विजिबिलिटी रिड्यूस हो गया है, पूरा धूल उड़ रहा है। बहुत ही अच्छा वेदर हो गया है अभी। दोस्तों, गंगा जी में स्नान करके तो मज़ा ही आ गया, मतलब इतना आनंद, पानी इतना ठंडा था। जब यहाँ ये हाल है तो गंगोत्री में फिर क्या होगा। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए इस चारधाम यात्रा के लिए और इसका भरपूर आनंद उठाइए, क्योंकि हम बहुत ही सारे प्लेसेस कवर करने वाले हैं एंड आपको भी वर्चुअली पूरा दर्शन कराने वाले हैं। ये है आपके लिए श्री स्वामी नारायण घाट। घाट काफ़ी अच्छा है, पानी भी बहुत अच्छा है, एरिया ठीक है, क्लीन है। लेडीज़ के लिए चेंज करने के लिए भी टेम्परेरी व्यवस्था की गई है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ का रहा पॉजिटिव। दोस्तों, आप सबको अमृत मंथन तो याद ही होगा। सो अमृत मंथन के समय चार जगह अमृत की बूंदें गिरी थी, वही चार जगह पे कुंभ मेला लगता है। तो उसमें से एक प्लेस है हरिद्वार, जहाँ पे अमृत की एक बूंद गिरी थी और यहाँ भी कुंभ मेला लगता है। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, जय श्री है कि गंगा मैया धरती पे कैसे आई। तो भगीरथ जी ने बहुत सालों तक तपस्या की और उस तपस्या स्वरूप गंगा जी विष्णु जी के चरणे से होते हुए शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया, क्योंकि उनका वेग बहुत ही तीव्र था। इतना वेग हमारी पृथ्वी सहन नहीं कर पाती। तो शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं पे धारण किया और फिर गंगा जी की शिव जी के जटाओं से होती हुई हमारे पृथ्वी पर आई। और ये है मोक्षदायिनी। गंगा में नहा के सब अपने पाप धो लेते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। गंगा में जब भी आप डुबकी लगाते हैं, जो आपकी कॉन्शियसनेस होती है उसी अनुरूप आपको गंगा पावक करती है। तो जब भी आप गंगा जी में, गंगा मैया में डुबकी लगाएं, इसी भाव से लगाएं कि हे गंगा मैया, हमें भी अपनी तरह निर्मल और पावन कर दो और हम भी भक्ति कर सकें, ना कि सिर्फ आए और अपने पाप धोए और चल दिए। तो ये है गंगा मैया का निर्मल जल जो बहता हुआ हरिद्वार में, हरि के द्वार। वैसे दोस्तों, हरिद्वार के हर घाट पे गंगा आरती होती है, गंगा जी की पूजा की जाती है, लेकिन हर की पौड़ी सबसे फेमस है एंड अभी मैं वहीं पे जा रही हूँ। हर की पौड़ी जाने के लिए ऑटो वगैरह सब अवेलेबल है और वो आप स्थान है दोस्तों जिसे भीमकोटा कहते हैं, एंड यहाँ पर ऑटोज आपको उतारेंगी। और हर की पौड़ी जो है भीमकोटा से अराउंड हाफ किलोमीटर है, तो आपको हाफ किलोमीटर की वॉक करनी पड़ेगी। पूरे रास्ते में मार्केट आता है एंड व्यू काफ़ी ही अच्छा है। इस तरह के मार्केट्स आएंगे एंड इस तरह की व्यूज़ रहेगी। सो पूरे वृक्ष है, ठंडी ठंडी हवा चलते रहती है, इवनिंग्स तो काफ़ी अच्छी है, इवनिंग में बहुत ही आनंद आ रहा है। कीप चैंटिंग एंड कीप वॉकिंग, that's the whole purpose of this trip. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. ज़्यादा है एंड यही एक्सपेक्टेड भी था कि काफ़ी भीड़ हमें मिलेगी। बस उम्मीद यही है कि हमें आरती देखने के लिए कोई स्थान मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, काफ़ी जल्दी जल्दी चल के जा रहे हैं ताकि आरती मिस ना हो जाए। ये देखिए दोस्तों, क्या भीड़ है यहाँ पे, इतने श्रद्धालु, इतने डिवोटीज यहाँ पर आए हुए, मतलब चलने तक की जगह नहीं है। पीपल, अगर आप इवनिंग में दर्शन के लिए आते हैं तो आपको 21 आरती, 21 आरती का आनंद मिलेगा, और अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे आते हैं तो एक आरती होती है यहाँ पे। सो मॉर्निंग और इवनिंग इस तरह से अलग अलग नंबर्स ऑफ आरतीज होती हैं। पीपल, अनफॉर्चुनेटली आरती कंप्लीट हो गई है, बट आप इस अद्भुत दृश्य का नज़ारा देखिए। कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और डे 2 का वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा।